Kauravs, the BJP and the RSS are designed to fight for power. Like the Pandavs, the Congress is designed to fight for the truth. Friends, the Congress is the voice of a nation. BJP ek sangathan ki awaaz hai. Congress ek desh ki awaaz hai. Never forget that when our leader was sleeping on the floor in a British jail, their leader, Mr. Savarkar, was writing a letter begging the British for mercy. Surgical strikes to demonetization, Gabbar Singh tax to a fancy yoga parade in front of Parliament. Chalo, yoga karte hain. रोजगार नहीं है, किसान मर रहे हैं, चलो इंडिया गेट के सामने योगा करते हैं. इंडियाज बिगेस्ट थेफ्ट हैज द सेम नेम एज आवर प्राइम मिनिस्टर. इंटरेस्टिंग, इट्स अ इंटरेस्टिंग फैक्ट, देयर इज मोर. The most corrupt man in cricket also shares the same name with our Prime Minister. So what does Modi actually mean? What does Modi actually mean? The name Modi symbolizes the collusion between India's biggest crony capitalists and the Prime Minister of India. Modi gives Modi 30,000 crores of your money, and in turn Modi gives Modi money for marketing Modi and winning elections. Is sangathan ko badalna padega. Kaise badalna padega main batata hu. Wo jo piche hamare karyakarta baithe hain, उनमें ऊर्जा है, शक्ति है, देश को बदलने की शक्ति है. मगर उनके बीच में और हमारे नेताओं के बीच में एक दीवार खड़ी है. मेरा पहला काम उस दीवार को तोड़ने का होगा. कार्यकर्ता खून पसीना देता है और फिर टिकट से पहले उसको कहा जाता है, भैया तुम कार्यकर्ता हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा. नहीं 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 नहीं, तुम कार्यकर्ता हो, तुम्हारे दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, तुम्हें टिकट मिलेगा. और गुजरात में हमने छोटा सा उदाहरण दिया, बड़ा नहीं छोटा सा, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया और देखा आपने नतीजा, देखा मोदी जी सी प्लेन में उड़ते हुए दिखाई दिए थे. जिस दिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को हमने सचमुच में शक्ति दे दी, सी प्लेन छोड़ो सबमरीन में दिखाई देंगे. वो सोचते हैं कि वो इंसान नहीं है, कुछ और है.
शायद मोदी जी सोचते हैं कि वो भगवान के अवतार हैं। तो अब आप सब मिलकर एक साथ खड़े होकर झगड़ा करना है चुनाव के बाद, प्लीज। थोड़ा सा होता है मगर अब अगले 6-7 महीने के लिए थोड़ी कड़ी डिसिप्लिन चलेगी, थोड़े झटके लगेंगे, तो थोड़ा प्यार से मिलकर एक साथ लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी का वर्कर 2019 में हिंदुस्तान को दिखाएगा कांग्रेस पार्टी चुनाव कैसे लड़ती है और कैसे चुनाव जीतती है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।